वेलकम बच्चों, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू विल बी ऑल एब्सोल्युटली फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। देन लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं हूं दुलारचंद दास और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोगों को मोबाइल पे अधिक समय नहीं बिताना है, आप लोगों को अधिक देर तक मोबाइल नहीं देखना है। छोटे बच्चे अक्सर फनी वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पे बिताते हैं। आपको पता है ना कि मोबाइल LED लाइट से बनी होती है और यह आपके आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है, इसलिए आप अधिक देर तक मोबाइल ना देखें। मैं हमेशा ही अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि बच्चों को अधिक देर तक मोबाइल देखने ना दें, तो आप लोग सिर्फ अपने पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखिए और फनी वीडियो अगर कभी देखना हो तो कम समय तक देखिए, कभी कभी देखिए। तो हम लोग क्या आज पढ़ाई करेंगे बच्चों? Chapter 6, हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज। कितनी सुंदर है यह दुनिया। तो हम लोग देखते हैं ना हमारे चारों ओर कितनी सुंदर दुनिया है। वहाँ पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं और तितलियाँ होती है, कितने सारे छोटे छोटे जीव होते हैं। तो ये दुनिया कितनी सुंदर है। हमारी दुनिया इतनी सुंदर है, उसी से संबंधित यह एक पोयम दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ये पोयम Class 3 की इंग्लिश बुक का है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज, हाउ ब्लू द स्काई अबव, हाउ ग्रीन द ग्रास इन द मॉर्निंग ड्यू, हाउ मैजिकल द डव। कितनी सुंदर है यह दुनिया और इसके ऊपर ये आसमान कितना नीला है। सुबह के ओस में घास कितना हरा है। हम लोग सुबह सुबह देखते हैं ना घास पे कितना ओस रहता है और वह ओस की वजह से और भी ग्रीन दिखने लगता है। कितना म्यूजिकल है यह डब। ये देखिए आप लोग, ये दो बर्ड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दो डब यहाँ पे बैठे हुए हैं। डब का मतलब होता है एक प्रकार की चिड़िया। यह सफ़ेद कलर की होती है और यह चहचहाती रहती है। इसी को बर्ड का चहचहाना ही म्यूजिकल कहा जाता है, संगीतमय। यह बहुत ही संगीतमय तरीके से चहचहाती है, इसीलिए कहा गया है कि डब कितना संगीतमय है। आई टू सी द कलर्स ब्राइट, ईयर्स फॉर म्यूजिक ऑफ डिलाइट, नोज टू स्मेल द फ्रेग्रेंट रोज, स्किन टू फील द ब्रीज द ब्लोज। हम लोगों को आंखें मिली है दुनिया के सुंदर सुंदर चमकीले कलर देखने के लिए। दुनिया में कितने सारे कलर हैं। पेड़ का कलर हरा है, फूल कई प्रकार के होते हैं, तितलियों के पंख में कितने सारे कलर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आंखों से देखते हैं और कानों से मधुर संगीत सुनते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, हवा की चलने की सरसराहट सुनाई देती है और बहुत सारे कई संगीतमय आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है कानों से। और नाक से हम लोग कई सारे फूलों के सुगंध मिलता है, जैसे यहाँ पे रोज दिया हुआ है, फ्रेग्रेंट रोज। रोज की सुगंध हमें बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूलों के अच्छे अच्छे सुगंध होते हैं। हम अपने स्किन से सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवा को अनुभव करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज, हाउ ब्लू द स्काई अबव, गॉड इज देयर इन ऑल क्रिएशंस, फ्लोइंग फोर्थ इन लाइट एंड लव। फिर ऊपर वाली लाइन फिर से दी हुई है। कितनी सुंदर है यह दुनिया, इसके ऊपर आसमान कितना नीला है। इस संसार के सारी रचनाओं में परमपिता परमेश्वर प्रेम और प्रकाश के रूप में सभी चीज़ों में, सभी रचनाओं में विद्यमान हैं, इसीलिए हमारी ये दुनिया बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ये पोयम समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये न्यू वर्ड्स दिया हुआ है। ये इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसे पढ़कर याद कर लेंगे। और इसमें वन नंबर में बतलाया गया है, गेट दिस पोयम बाय हार्ट, आप लोग इस सुंदर से पोयम को याद कर लेंगे। टू नंबर में इसमें फिल इन द गैप्स दिया हुआ है, इसमें भरने के लिए। और इसमें क्या दिया हुआ है, थ्री नंबर में व्हाट फॉर आर द फ्लोइंग ऑर्गन्स, ये शरीर के अंगों के नाम लिखे हुए हैं और ये क्या काम करते हैं। हम लोग जैसा कि इसके बारे में पढ़े हुए हैं, ये सेंस ऑर्गन्स है, ये पोयम में भी आया हुआ है। और फोर नंबर में यहाँ पे ब्यूटी प्लस फूल, ब्यूटीफुल, इस प्रकार से इसको लिखना है।
इसमें अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ भरने के लिए दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसको बना के दिखा देता हूँ। ये है चैप्टर 6, हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज। इसका क्वेश्चन आंसर है 2 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ था यहाँ पे हमने भर दिया है। द डव इज म्यूजिकल, द स्काई इज ब्लू, जो भरा हुआ है उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। वी कैन फाइंड गॉड इन ऑल क्रिएशंस, द ग्रास इज ग्रीन, द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। 3 नंबर में, व्हाट फॉर द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ये अंग किस काम आते हैं। आइज टू सी, आँखें देखने के लिए, ईयर्स टू लिसन, कान सुनने के लिए, नोज टू स्मेल, नाक सूंघने के लिए, स्किन टू फील, और त्वचा महसूस करने के लिए। 4 नंबर में फूल जोड़ के और यूजफुल इस तरह से बनाना था, तो यहाँ पे मैंने सारा ब्लैंक्स भर दिया है। आप लोग इसको देखकर आसानी से भर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 6 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और आप लोगों को मैं हमेशा ही बतलाता हूँ, मोबाइल में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं बिताना है। और गार्जियन से मैं हमेशा ही अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को आप इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सजेस्ट कीजिए, ना कि फनी वीडियो देखकर वो ज़्यादा समय बिताए, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।